इसके पहले हम लोगों ने सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य सभी गैसों को पढ़ने के बाद अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे लास्ट हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा चमकारी है क्या? अच्छा रुकिए आगे लिख देते हैं, कहाँ तक चमकारी है? यहाँ से तो लिख देते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, साफ दिख रहा है? कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसे कार्बन मोनो ऑक्साइड को हम कहते हैं CO गैस। कौन सी गैस? CO। ठीक, CO साफ बोला, CO कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? CO गैस कहते हैं। अब अगर कार्बन मोनो ऑक्साइड की बात करें तो इसे दमघोटू भी गैस कहते हैं। कौन सी गैस? दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? कौन सी? CO गैस की, या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? अगर उत्पत्ति की बात करें तो जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, कोयला को जब जलाया जाता है, पेट्रोलियम को जलाया जाता है, या इन सभी के जो अपूर्ण दहन होता है उससे CO निकलता है। अच्छा, CO जो गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, यह हमारे लिए तो एक विषाक्त गैस होती है, लेकिन वनस्पतियों के लिए एक लाभदायक गैस होती है, क्योंकि जब मनुष्य सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अंदर जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलने के बाद क्या करती है, जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कण क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन में चिपक जाते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है। इससे हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन परिवहन होता है वो दर कम हो जाती है, इसकी वजह से दम घुटने लगता है, इसलिए इसे दम घुटू गैस कहते हैं। बाद में मृत्यु हो जाती है, माने ऑक्सीजन वहन क्षमता को ये गैस कम करती है, जिससे हमें सांस लेने में समस्या होती है, इसलिए इसे हम दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह गैस जो है ये ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना ज़्यादा उससे क्या करती है, क्रिया करती है, और ये एक रंगहीन गैस है, गंधहीन है, और ये पानी में अघुलनशील। ये गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जल में भी नहीं घुलेगा, लेकिन यह गैस क्या है, वनस्पतियों के लिए एक बेहतर है, इसलिए वनस्पतियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, और तो ओजोन गैस कैसी होती है जानते हैं ना? अगर ओजोन गैस की बात करिए, नीले रंग की गैस होती है, इसे डॉप्सन से नापा जाता है, ये इसका फॉर्मूला O3 होता है। ओजोन गैस की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक व्यक्ति ने किया था, और ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसकी जो परत होती है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली गैस, वो आप लोग पहले से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो यह हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, इसे हम CO2 कहते हैं, CO2 गैस कहते हैं। यह हमारे वायुमंडल में 0.03% मात्रा में है। ये सभी जीवधारियों के लिए तो अगर कह दें तो वास्तव में ये सबसे प्रमुख गैस है जो पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं को भी व्यतीत करते हैं, क्योंकि अगर CO2 ना होता तो पेड़ पौधे ना होते, अगर पादप ना होते, क्योंकि पादपों के लिए जिस तरह मनुष्य के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है, उसी तरह ये पादपों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राणवायु है, जीवनदायी गैस है। और अगर पादप ना होंगे, पेड़ पौधे ना होंगे, तो मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए यह पृथ्वी पर प्राणवायु गैसों में ऑक्सीजन के बाद इसे भी हम जीवनदायी गैस कहते हैं, क्योंकि बिना इसके जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, और जब तक वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तब तक अपना भोजन नहीं बनाएंगे, जब तक भोजन नहीं बनाएंगे तब तक वो हमें भोजन नहीं देंगे। कहने का मतलब CO2 जो गैस होती है ये हमारे लिए एक तरह से कह दिया जाए तो हानिकारक होती है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, जब CO2 की वृद्धि होती है इसका कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों का लगातार दहन करना, वनों का विनाश करना, वन का कटाव करेंगे तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे उनकी दर कम हो जाएगी और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ेगी, और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो महासागरीय अम्लता में वृद्धि होगी, क्योंकि जलवाष्प ज़्यादा हो जाएगा, शुद्ध वाटर चला जाएगा, बचेगा अम्लता वाटर, अम्ल होगा, और नमक की मात्रा, लवण की मात्रा बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं यह कार्बन डाइऑक्साइड और इसे
आगे हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये अपारगमता गैस है, पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हीट बढ़ जाती है। इससे पृथ्वी का जो वैश्विक तापक्रम है वो भी क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। इसलिए ये हमारे लिए प्राणवायु गैस होने के साथ साथ, लेकिन इसकी जो वृद्धि दर है वह मनुष्य के लिए, पृथ्वी अन्य जीवधारियों के लिए लगातार ये घातक होता जा रहा है। इसलिए इसके रोकथाम के लिए लगातार कार्बन कटौती होती है, ताकि सभी देश कार्बन कटौती कर सके, कार्बन को सर्जन कम कर सके। इसीलिए सोलर पैनल आदि का उपयोग करने की बात कही जाती है, ठीक है, क्योंकि जो भी दहन करते हैं उससे CO2 सर्जित होता है, कोयला जलाने पर भी CO2 निकलता है। मैंने CO2 का उत्सर्जन इतना तेज गति से हो रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है, कि वायुमंडल में इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगला जो गैस हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीथेन। मीथेन इसे कहते हैं, ये है आपका CH4। जो मीथेन गैस होती है ये, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सड़े गले पदार्थों से, गोबर गैस प्लांट से, वनस्पतियों से। जब जानवर मवेशी पागुर करते हैं, अपना भोजन पचाते हैं, तो उनकी गुदा द्वार से क्या होती है, यह गैस जो बाहर निकलती है। जैसे कहते हैं ना, पशु जब मंजन करते हैं, गाय भैंस जब मंजन करती हैं, तो उनके मुंह से झाग जैसा निकलता है, तो वहाँ से यही गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है। और जहाँ दलदली भूमि होती है, वेटलैंड होता है, वहाँ से ये गैस निकलती है। धान के खेतों से निकलती है, बांधों से होती है, कुओं से निकलती है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोतों में इसका लगभग 26% उत्सर्जन आर्द्र भूमियों से होता है, ठीक है। तो यह मीथेन गैस जो होती है यह भी ग्रीन हाउस गैसों में से एक कहलाती है। समताप मंडल में मीथेन गैस जो होती है, इसका सांद्रण अधिक होने से जलवाष्प में वृद्धि होती है, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ती करती है। क्या करती है, जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो क्या करेगी, ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसको क्या करेगी, पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगी। जिसे ग्रीन हाउस गैस अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसों में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी, आपको भी पता है मेरी, उसके बाद CH4 मैथेन है, N2O, अगर हम N2O की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर उसके बाद क्या आता है, परफ्लोरोकार्बन PFC। मैंने ये सभी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस है। यदि सभी विकल्प में दे दिया जाए और पूछा जाए निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा किसके लिए उत्तरदायी, तो आपका उत्तर ही होना चाहिए CO2। इसके लिए उत्तर आपका क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक गैसों में से आती है, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखना चाहें तो उसके लिए भी देखिए, ये सभी गैस ऐसे हैं जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा इस समय क्या कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सारी गैसें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, EFC, ये सभी ऐसी गैसें हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, अगर हम इसे कहा जाए तो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी आती है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड भी इसके अंतर्गत आती है, वो भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं CFC। इसके बाद जो अगली गैस हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है CFC। आप जानते हैं इसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यहाँ से ही परीक्षा में प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट आप लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या मिटा दें, या लिख ही देते हैं अगला, इसके आगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला जो गैस पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम कहते हैं CFC। ये भी गैस हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक है, कैसे, इसके बारे में भी हम लोग अभी जान जाएंगे, ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, किस प्रकार से उपयोगी नहीं है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति कैसी होती है, CFC गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, तो अब हम जानते हैं एयर कंडीशनर, AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे, फोम, प्लास्टिक
अग्निशमन यंत्र, हेलन गैस, इन सभी के चलाने से क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति होती है। इसमें जो सबसे घातक है फ्रियान, सबसे घातक सब्जी है फ्रियान, लिख लीजिए हम फ्रियान। अगर इसमें देखा जाए तो होता है फ्रियान सबसे घातक सब्जी है। क्या है, कहीं फ्रियान लिखा होता है, कहीं आपको इस तरह से मिल जाएगा फ्रियान। ये क्या होती है, सबसे घातक सब्जी होती है। फ्रियान क्या होती है, सबसे घातक सब्जी है, जिसका प्रयोग फ्रीज, एसी, सोफा सेट जो होते हैं उसमें फोम जो लगाया जाता है, गद्दी जो लगाई जाती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, फ्रियान का, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। एरोसोल स्प्रे पेंट जो होती है वहाँ से भी फ्रियान सब्जी निकलती है, जो सबसे ज़्यादा घातक होती है, ठीक है। और ये ओजोन लेयर को धीरे धीरे क्षय करती हैं, सांद्र करती हैं, O3 तोड़कर O2+O में बदल देती हैं। इससे ओजोन परत लगातार पतला हो जा रहा है। सूर्य से आने वाली परावैगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जा रही हैं और वो जीवधारी को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारियों क्या कर रही हैं, सीधा सौगात दे रही हैं। क्या दे रही हैं, सीधा सौगात या सीधा निमंत्रण पहुँचा रही हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HFC है, HFC की बात करें अगर, अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात करें या परफ्लोरोकार्बन की बात करें, PFC, ठीक, परफ्लोरोकार्बन की बात करें या हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन की बात करें, तो इस सभी का विकास किसके होता है, ये CFC से होता है। ये कहाँ से होता है, CFC के ये विकल्प के तौर पर उपयोग किया गया, जो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को कम नुकसान पहुंचाते हैं। माने जहां जहां CFC का उपयोग होता है उन जगह इन सब का प्रयोग करते हैं, कैसे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये सभी CFC के वैकल्पिक स्रोत हैं जिसका इस्तेमाल करके हम CFC उत्सर्जन को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। इससे क्या होता है, ओजोन लेयर जो क्षय होने वाला है उसे क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। इसलिए इन्हें ओजोन का मैत्रिक गैस कहते हैं, ओजोन मैत्रिक गैस, इन्हें हम ओजोन मैत्री गैस कहते हैं। किसको, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोब्रोमीन फ्लोरोकार्बन को क्या कहते हैं, ओजोन मैत्री गैस कहते हैं, क्योंकि ये ओजोन लेयर को नुकसान न पहुंचाए CFC, इसलिए उसके विकल्प रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब छोटी छोटी टॉपिक बची है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, कुछ हम लोग अन्य देख लेते हैं, जैसे अगर हम लोग शीशा से देखा जाए तो शीशा से कौन सी बीमारी होती है, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ लिया, काफी लंबी वीडियोस थी। शीशा में एवं शीशा एवं कैडमियम में धात्विक कणिक पाए जाते हैं जो एक वायु प्रदूषक है। शीशा से क्या क्या होता है, मस्तिष्क क्षति, गुर्दा में क्षति, पागलपन, भ्रम, शक की बीमारी आदि पैदा होता है। कैडमियम ये क्या होता है, ये रक्तदाब बढ़ा देता है जो हृदय रोग के लिए है, यह श्वसन विष की तरह कार्य करता है। अगर सिल्का एस्बेस्टस की बात करें, यह आधात्विक कणिक है, ये भी क्या है, एक वायु प्रदूषक है। इस प्रकार इन सभी के बारे में हम लोगों ने को पढ़ लेना है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो पत्थर कटाई करते हैं मजदूर, तो पत्थर कटाई करने वाले जो मजदूर होते हैं इनको सिल्कोसिस और एस्बेस्टोसिस होती है। देख लेते हैं, हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दें, इसकी स्क्रीनशॉट आप अगर चाहें तो ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे लेते हैं। जो पत्थर कटाई करते हैं, मिटा दे रहे हैं पूरा, जो पत्थर कटाई करते हैं या पत्थर की घिसाई करते हैं उनको सिल्फोसिस होता है। सिल्फोसिस ये बीमारी होती है, ऐसे मजदूर जो पत्थर की कटाई करते हैं, घिसाई करते हैं, एस्बेस्टोटिस होता है, बड़े खतरनाक नाम होते हैं, ठीक है। एस्बेस्टोटिस नामक रोग होता है। अगर हम यहाँ से देखा जाए कि धूल देखा जाए, धूल के प्रकार देखा जाए तो क्या होता है, देखिए अगर हम लेके यहाँ पे धूल का, अगर हम धूल के प्रकार
और इधर अगर हम बीमारियां लिखें, बीमारियों का नाम, बीमारी सबसे पहले जो कोयला धूल होती है, कोयले की धूल होती है, जो आप जानते रहेगा, जो कोयला की धूल होती है उससे एंथ्राकोसिस होती है, एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस बीमारी होती है। क्या होती है? एंथ्राकोसिस होती है। सिलिका का जो होता है कण, जो सिलिका के कण निकलते हैं उससे क्या होती है, उससे सिलिकोसिस होती है, सिलिका से सिलिकोसिस, सिलिकोसिस होती है, उससे क्या होती है, सिलिकोसिस होती है, सिलिका से। अच्छा, जो लौह कण निकलते हैं, जो लोहे के जो कण निकलते हैं उसे क्या होते हैं, उसे सीडीरोसिस, लौह कण जो होते हैं, लौह कण, उससे क्या होती है, देखिए इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, उससे मार्कर भी जो है कम चल रहा है, सीडीरोसिस, सीडीरोसिस, सीडीरोसिस होती है लौह कण से। अगर तंबाकू जानते हैं, तंबाकू आपने देखा होगा, तंबाकू से कैंसर होता है, जो तंबाकू कण होते हैं उनसे क्या होते हैं, उनसे टोपेकोसिस, टोपेकोसिस होता है, टोपेकोसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या होता हमें बताएं, इसके बारे में एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत विशेष नहीं है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, और नहीं आ रही होंगी तो फिर बताइएगा, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा निराकरण करेंगे। हमने ये देखा कि धूल के जो पत्थर काटते हैं, पत्थर घिसाई करते हैं, उसे सिलिकोसिस होता है, एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि धूल के प्रकार जो होते हैं उससे कौन सी बीमारियों को होता है, कोयला के धूल कण से जो कोयला कण होता है उसे एंथ्राकोसिस होता है, ठीक, सिलिका से सिलिकोसिस होता है, लौह कण से सीडीरोसिस होता है, तंबाकू से टोपेसिस होता है, ये तमाम ऐसी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। दहन इंजन में, अच्छा बस इससे ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, जो हमें लगा वो हमने आपको बता दिया और समझा भी दिया है। इसके पहले का जो वीडियो था वो भी आप देख लीजिएगा, शायद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक, और नहीं होता फिर आप बताइएगा, आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद का जो अध्याय है उसको भी हम लोग देख लेंगे, फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसकी नोट्स भी आपको मिलेगी, जो चीज़ छूट रही है आप नोट्स में देख लीजिएगा, अब इतना तो नहीं याद हो पाता ना, तो भी हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें हम आपको बताना भूल गए, वो बता दे रहे हैं, आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। नोट्स CO2CH4 CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, CFC, N2O माने नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ओजोन के उष्मारोधी अर्थात हरितगृह गैस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, CFC गैसेस कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज कहते हैं, हरितगृह गैसेज कहते हैं। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प को। CFC हैलेंस, कार्बन रेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी ओजोन रिक्तिकारक गैसेज हैं। अम्ल वर्षा का कारण SO2 और N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं आपकी CO2, CH4, CFC, फ्रियान, CFC के फ्रियान, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, PFC, अभी कुछ देर पहले लिखे थे, ओजोन, जलवाष्प। अच्छा, ओजोन और जलवाष्प के अलावा अन्य सभी CFC को नियंत्रण भी करती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ते रहेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण पढ़ेंगे, फिर जल प्रदूषण काफ़ी लंबा अध्याय है, जल प्रदूषण पढ़ेंगे और उसको भी पूरा ख़त्म करना है। लेकिन एक वो छोटी सी है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, हमारे ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, आप दिए गए नंबर पे 6306344367 पे ऑनलाइन क्लास नोट्स भी आपको उपलब्ध है। साथ ही साथ इसके अलावा भी आप हमारे यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हार्ड कॉपी, जैसा कि नोट्स हमारे पास है, वो नोट्स भी आप ले सकते हैं। इस नोट्स के साथ साथ एक चीज़ आपको और मिल जाएंगी हमारे यहाँ से, ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध है। ये सभी परीक्षाओं के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीरीज आपको लगातार क्रम से मिलती रहेगी और हमें प्रयास करेंगे आपको हम अपना बेहतर दें, ताकि आप भी अपने कामयाबियों की बुलंदियों पे जरूर पहुंच जाइएगा। इलेनिक बुद्रुगेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
और टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर। कभी कभी हम लोग वीडियोज बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, इसीलिए छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपका मोस्ट वेलकम है। यूपीटीटी सुपर टीटी की ये जान है। अगर आप यूपीटीटी सुपर टीटी तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें पर्यावरण शब्द का जिक्र है तो ये अध्याय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जाती है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल प्रदूषण, वो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत आगामी परीक्षा की शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।